आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम, हमारे एडवोकेट सुधीर साइडे संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। आज सच लेकिन कड़वी बात, सच लेकिन कड़वी बात इस सेगमेंट में पालघर जिले के गढ़ चिंचेले इस कस्बे में जो दो साधुओं की और उनके गाड़ी के ड्राइवर की जो भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या की गई है, क्या यह महाराष्ट्र राज्य के लिए शर्मनाक घटना है और क्या इस घटना के लिए महाराष्ट्र राज्य के पुलिस विभाग और वहां का पुलिस थाना जिम्मेदार है, इसके बारे में सच लेकिन कड़वी बात इसमें हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ये कस्बा कहां पर है और ये घटना कैसे घटी और ये घटना कौन से तारीख को घटी। दोस्तों ये जो गढ़ चिंचेले एक छोटा कस्बा है, ये गांव मुंबई से 125 किलोमीटर दूरी पे है और यह गांव पालघर जिले में और डहानू तहसील में आता है और इस गांव का पुलिस थाना है कासा, जो इस गांव से मात्र 33 किलोमीटर दूरी पर है और इस गांव में 248 परिवार रहते हैं और इस गांव की जो आबादी है वो 1208 है और यहां पर साक्षरता का जो प्रमाण है वो बहुत कम है। महिलाओं में साक्षरता का प्रमाण 23.87% है और पुरुषों में यहाँ पर साक्षरता का जो प्रमाण है 37.75% है। आइए अब जान लेते हैं कि यह घटना कैसे घटी। दोस्तों 16 अप्रैल 2020 की यह घटना है और महाराष्ट्र के जुगेश्वरी जुना अखाड़ा के महंत और उनके एक साथी और एक उनके ड्राइवर, ये तीनों लोग मुंबई से सूरत की ओर जा रहे थे और सूरत में वहाँ के एक हिंदू महंत का वहाँ पर निधन हुआ था, उसके अंत्यविधि में शामिल होने के लिए मारुति इको इस फोर व्हीलर से ये तीनों लोग जा रहे थे। ये जो जूना अखाड़ा के महंत थे, इनका नाम कल्पवृक्ष गिरी, जिनकी उम्र 70 वर्ष, उनके साथी सुशील गिरी, इनकी उम्र 35 वर्ष और नितिन तेलगड़े, ये जो उनका ड्राइवर था, इस ड्राइवर की उम्र 30 वर्ष और यह जब शाम रात में इस रास्ते से जब गुजर रहे थे तब रास्ते पर एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और इस भीड़ के हाथ में, किसी के हाथ में डंडे, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसके हाथ में लोहे के रॉड और इस प्रकार के, किसी के हाथ में पत्थर और ऐसे इन लोगों ने 16 अप्रैल 2020 को इन दोनों हिंदू साधुओं पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक पोस्टिंग थी वन अधिकारी की, जब उसने देखा कि भीड़ इन तीनों लोगों पर जानलेवा हमला कर रही है, उसने तुरंत
वहाँ का जो कासा पुलिस थाना है उस जगह से 33 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर फोन कर उनको सूचना दी पुलिस को कि एक भीड़ है और भीड़ के बहुत सारे लोग पत्थर लेकर, रॉड लेकर, कुल्हाड़ी लेकर दो हिंदू साधुओं पर, उनके ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद मौके पर आकाशा पुलिस थाने की जो पुलिस है, पुलिस कर्मचारी है, वो अपने दल के साथ वहां पर पहुंच गए। अभी ये जो वन अधिकारी द्वारा जो फोन किया गया था ये रात में 9:30 के दरमियान किया गया था, तो पुलिस को तो चौकन्ना रहना चाहिए, प्रकरण की गंभीरता को समझना चाहिए और वहाँ से मुश्किल से 4-व्हीलर से वहाँ पहुँचने को आधा घंटा लगता है, तो वहाँ कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद में वहाँ पुलिस पहुँची। तो वहाँ के भीड़ ने इन दो साधुओं को और ड्राइवर को लाठी से और पत्थरों से उसको मार पीट कर उनको अधमरा किया गया था। और उसके बाद में पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने उन तीनों लोगों को अपने पुलिस के गाड़ी में उनको बिठाया। बिठाने के बाद में भी वो जो भीड़ थी वो और क्रुद्ध हो गई और गुस्सा हो गई और पुलिस के सामने उन लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, पत्थर उनके ऊपर में मारे और मारपीट की और ये जघन्य हत्याकांड किया गया। और इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस के समक्ष दो हिंदू निर्दोष साधुओं की और वाहन चालक जो निर्दोष था, इन तीन लोगों की पुलिस के सामने हत्या की गई। अब इस जघन्य हत्याकांड के लिए कौन लोग जिम्मेदार है? हमेशा जो निंदनीय घटना है उसकी हमेशा निंदा होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के विपक्ष के कुछ नेता, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य भी कोरोना इस महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। बड़ी कठिन अवस्था महाराष्ट्र राज्य की है और यहाँ पर किसी प्रकार का राजनीतिक संकट नहीं खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इस घटना के आधार पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस घटना को इस घटना की राजनीति कर रहे हैं और इस घटना को एक राजनीतिक दल के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी निंदनीय घटना हो या निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो या महिला के ऊपर में कई बलात्कार हो या बेकसूरों के कई घर जलाए गए हो, ऐसी जो कोई भी निंदनीय घटना है उसकी निंदा होनी चाहिए और इसको किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। क्या इस घटना को, इस जघन्य हत्याकांड को टाला जा सकता था? तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि पुलिस अगर मुस्तैद होती तो इस घटना को और इन तीन बेकसूर लोगों की होने वाली हत्याओं को जरूर टाला जा सकता था। यह घटना क्यों घटी? ये जो कस्बा है यहाँ पर शिक्षा का प्रमाण अत्यल्प है और बहुत सारे लोग अनपढ़ है। इस इलाके में इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई कि कोई शहर के लोग, कोई महानगर के लोग गांव में, कस्बे में आते हैं, वो छोटे बच्चों को चुराते हैं और उसके बाद उन बच्चों की किडनी निकाल लेते हैं और वो शहर में जाके बेचते हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई थी। तो इस घटना 16 अप्रैल के 4 दिन पूर्व एक शहर का डॉक्टर उस गांव कस्बे में लोगों को लॉकडाउन के दरमियान अनाज बांटने के लिए अपनी 4-व्हीलर से आया था, तो उस डॉक्टर के ऊपर में भी 4 दिन पहले इन लोगों ने और भीड़ ने जानलेवा हमला किया था।
उसे मारपीट की थी और उसकी गाड़ी को तोड़ा था और इसका रिपोर्ट उस व्यक्ति ने कासा पुलिस थाने में दिया था। तो कासा पुलिस थाने को 4 दिन पहले जो घटना घटी थी उसकी पूरी जानकारी थी और इतनी बड़ी और उस इलाके में इस प्रकार की अफवाह फैली है कि कोई व्यक्ति आता है और बच्चों को चुरा कर लेकर जाता है और बच्चों की किडनी निकाल कर उनको बेचता है। तो ये पुलिस को सारी जानकारी थी, फिर पुलिस क्यों सोई रही? तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि डॉक्टर को मारपीट होने के बाद उस वो जो गांव है उस गांव के बाजू से जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे एक पुलिस चौकी लगानी जरूरी थी और वहां पर कम से कम 20 पुलिस शस्त्रधारी पुलिस इनका बंदोबस्त लगाना जरूरी था। यदि कासा पुलिस थाने के इंचार्ज अगर 16 तारीख के 4 दिन पहले ही वहां अगर पुलिस बंदोबस्त लगाते और वहां पर अगर पुलिसों का दल होता जिनके पास अगर शस्त्र होते तो ये साधुओं की हत्या ना होती और ड्राइवर की हत्या ना होती, ये हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान ने भारत देश के हर संप्रदाय को हर धर्म को आर्टिकल 25A के तहत धर्म की आज़ादी प्रदान की है। भारत देश का हर धर्म का व्यक्ति उसके धर्म के मुताबिक अपनी पूजा अपनी आराधना अपना विधि धार्मिक विधि कर सकता है, धार्मिक उत्सव मना सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 29(1) में उसमें दिया है कि यहाँ पर हर समूह अपनी भाषा अपनी लिपि और अपनी संस्कृति संवर्धन करने के लिए वो काम कर सकता है। इसलिए यहाँ के हर समूह को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। और आर्टिकल जो 19 है आर्टिकल 19 का जो पहला सेक्शन है उसमें स्पष्ट रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। तो हर व्यक्ति को अपने विचार अपने मत प्रकट करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। आपको बताते हैं जिस महान व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी थे, वो कोई भी भगवान को नहीं मानते थे। इसके बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश के तमाम सांप्रदाय तमाम धर्मों की सुरक्षा के लिए और धर्मों के समूहों के सुरक्षा के लिए आर्टिकल 25 का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और निरीश्वरवादी अपने विचार भारत देश में रख सकता है, हर धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक विचार भारत देश में रख सकता है और ये आज़ादी उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दी है। यदि हमें किसी व्यक्ति के विचार से हम इत्तेफाक नहीं रखते, यदि हम किसी विचारधारा से असहमत है किसी के विचारों से असहमत है तो हम भी अपने विचार खुले तरीके से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भारत देश में किसी भी व्यक्ति को हिंसा का इस्तेमाल करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया नहीं है और किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की इजाजत भारतीय संविधान और भारत का कानून देता नहीं है। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधी का धर्म कभी नहीं देखना चाहिए और पीड़ित की जात देखकर कभी भी अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए। और किसी भी जाति का किसी भी धर्म का अपराधी हो उसकी निंदा होनी चाहिए
और हमको हमेशा पीड़ित का पक्ष हमको रखना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि भारत देश के लोगों में, बहुतांश लोगों में आज भी बड़ी घटिया सोच है। जब खुद के संप्रदाय का व्यक्ति के ऊपर में अत्याचार अन्याय होता है, जब खुद के धर्म के बेटी के ऊपर में, महिला के ऊपर में अत्याचार होता है, सिर्फ उसी धर्म के लोग रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन किसी दूसरी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, या किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति पे अत्याचार होता है, तो ये लोग चुप्पी साधते हैं, और ऐसी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए पालघर जिले में गढ़ चिंचेले इस कस्बे में जो हिंदू दो साधुओं की और एक निर्दोष ड्राइवर की भीड़ द्वारा जो हत्या की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं, और भारत देश के तमाम लोगों को हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमेशा पीड़ित का साथ दे और अपनी सोच को बदले। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कुछ सवाल निर्माण होते हैं। जब 200 या 300 या 400 की भीड़ अगर तीन लोगों को पूरे घातक शस्त्रों के साथ मारपीट कर रही है, तो वहाँ पर कासा पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया? अगर वहाँ पर वो 8-10 पुलिस वाले वहाँ पर गए, तो उनके पास में जरूर दो लोगों के पास में रिवॉल्वर या पिस्टल होंगे। तो जब ये भीड़ उनके ऊपर में जानलेवा हमला कर रही थी, तो उसमें से PSI ने या API ने या SI ने, उन्होंने हवा में पुलिस रिवॉल्वर से, सर्विस रिवॉल्वर से हवा में हवाई फायर क्यों नहीं किया? यदि वो दो बार हवाई फायर करते तो भीड़ तितर बितर हो सकती थी। और यदि वो किसी के भीड़ अगर नहीं कंट्रोल हो रही है, तो एक दो लोगों के पैरों में अगर पिस्टल से अगर गोली मारते थे, तो सारी की सारी भीड़ तितर बितर हो सकती थी और इन तीनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि पर्याप्त पुलिस बल को नहीं भेजा गया और पुलिस ने अपने बल का इस्तेमाल नहीं किया, और इसीलिए इन तीन निर्दोष लोगों की हत्या वहां पर हो गई है। और इसके लिए पूरी तरह से कासा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी पूरी तरह से जिम्मेदार है। भारत देश का हमारा संविधान हर व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत देश का संविधान हर धर्म के, हर संप्रदाय के सुरक्षा की गारंटी देता है। तो हमारा यह कहना है, चाहे आप मीडिया से संबंधी हो, चाहे आप किसी राजनीति दल से संबंधित हो, या आप किसी संगठन से संबंधित हो, आपका जो बर्ताव है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो मत प्रकट करने का जो आपका तरीका है, वो हर बार समान होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब अपने संप्रदाय के विरोध में कोई घटना घटती है, अपने धर्म के विरोध में कोई घटना घटती है, तब रास्ते पे आ जाते हैं और उस घटना की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन जब किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ में या किसी और धर्म के लोगों के साथ में जब निंदनीय घटना घटती है, तो उसकी निंदा नहीं की जाती है, यह बड़ी दुख की बात है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में 1998 में झबुआ में क्रिश्चियन धर्म की जो चार नंस थी, उनके साथ में 24 लोगों ने बलात्कार किया था। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस समय इस घटना का बहुत सारे लोगों ने क्यों निंदा नहीं की? क्या वो जो नंस थी, वो जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली जो नंस थी, क्या वो भारत की नागरिक नहीं थी? तो इस प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि 2000
सॉरी 22 जनवरी 1999 एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी, उनका नाम था ग्राहम स्टेन्स। और ग्राहम स्टेन्स ये क्रिश्चियन मिशनरी व्यक्ति था और उड़ीसा इस राज्य में जो कुष्ठ रोगी थे तो कुष्ठ रोगियों के बस्तियों में ये व्यक्ति जाता था, उनको दवा देता था, उनका इलाज करता था और बहुत नेक काम ये व्यक्ति कर रहा था। तो ये कट्टरपंथी संगठन के एक व्यक्ति ने 22 जनवरी 1999 को इस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलियन मिशनरी व्यक्ति को ऊपर में पेट्रोल छिड़क कर इसको जिंदा जलाकर मार डाला था। तो जो लोग आज इस घटना की निंदा कर रहे थे, क्या इन लोगों ने इस घटना की 22 जनवरी 1999 को निंदा की थी? इस घटना पर इन लोगों ने क्यों चुप्पी साधी थी? यह हमारा सवाल है। एक बड़ी ही दुखद घटना भंडारा जिले के खैरलांजी कस्बे में सितंबर 2006 में घटी थी। प्रियंका भोतमांगे और उनकी माँ, इन माँ बेटी के ऊपर में गैंगरेप किया गया। 36 लोगों ने गैंगरेप किया और प्रियंका भोतमांगे के दोनों भाई और प्रियंका और उनकी माँ, ऐसी चारों लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और यह पूरा परिवार ये अनुसूचित जाति का परिवार था। बेकसूर परिवार का जघन्य हत्याकांड किया गया था सितंबर 2006 में। लेकिन जिस प्रकार से इस घटना को मीडिया में लाना चाहिए था, इस प्रकार से इसको मीडिया में लाया गया नहीं था। और जिस प्रकार से दिल्ली की जो सन 2012 की जो निर्भया हत्या बलात्कार और हत्याकांड के घटना में पूरे भारत देश में जो एक प्रकार का आंदोलन किया गया, उस प्रकार का आंदोलन इस खैरलांजी घटना में क्यों नहीं किया गया, ये भी हमारा सवाल है। और दूसरी और एक घटना है उन्नाव की। 17 जुलाई 2017 को उन्नाव में एक लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। एक ताकतवर राजनीतिक दल के नेता ने उसके पिता को झूठे चोरी के इल्जाम में उसको फंसाया और उसको मारपीट कर उसकी हत्या की गई। और उसके बाद में 28 जुलाई 2019 को जब वे लोग कोर्ट में जा रहे थे, उनका वकील और उनकी दो रिश्तेदार और वो लड़की, उसको ट्रक द्वारा उसको डैश दिया गया जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की जगह पर मौत हो गई। और उसके बाद में उस लड़की को भी जलाकर जान से मार दिया गया। तो ये कुछ उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम जब भारत के नागरिक हैं, जब हमारे भारत देश का एक ही संविधान है, जब हम सबको यहाँ पर सम्मान से जीने का अधिकार सबको मिला है, हमें अपने धर्म के अनुसार हमारी आराधना, हमारी पूजा, हमारी विधि, हमारे उत्सव मनाने का अधिकार हमको प्राप्त है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ में, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के साथ में जब भी निंदनीय घटना घटती है तो उसे जाति या धर्म का मापदंड नहीं लगाना चाहिए। ये हम सच लेकिन कड़वी बात में आपसे हम ये हमारी बात को यहाँ कहना चाहते हैं। इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? पालघर के कलेक्टर और पालघर के एसपी, इन दोनों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पूरे जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी और पूरे जिले के नागरिकों के सुरक्षा की जिम्मेदारी ये डीएम यानी कलेक्टर साहब और एसपी जिला पुलिस अधीक्षक इनकी है। और वहां पर जो घटना घटी उसके लिए जिम्मेदार कासा पुलिस थाने का पुलिस इंचार्ज और वहां के पुलिस कर्मचारी है। तो इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और महाराष्ट्र के गृह मंत्री
आदरणीय अनिल देशमुख साहब, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि पालघर के कलेक्टर को और पालघर के एसपी को और वहां की जो पुलिस कर्मचारी है, कासा के दोषी पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी, इनको तुरंत सेवा से निलंबित किया जाए और इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक समिति गठित करके इनकी चौकसी की जाए। इस जघन्य हत्याकांड में जो 3 निर्दोष लोग बलि चढ़ गए हैं, तो सरकार को चाहिए कि 2 साधुओं के परिवार को प्रत्येक की 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करे। उसी प्रकार से नितिन तेलगड़े जो ड्राइवर है, जो इसमें भीड़ द्वारा जिसकी हत्या की गई है, उसके परिवार को भी 25 लाख रुपए की मदद महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाए और नितिन तेलगड़े के परिवार में उसके पत्नी या उसके घर में जो भी व्यक्ति होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के सरकार से मांग करते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ 4-5 वर्षों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, 5 या 10 साल के अंदर में मॉब लिंचिंग के जो मामले हैं, वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। और मॉब लिंचिंग को यहाँ पर इसको रोकना सरकार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम भारत देश के पार्लियामेंट से और भारत देश के केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि कोरोना महामारी का संकट खत्म हो जाने के बाद भारत देश के अंदर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और भारत देश से मॉब लिंचिंग के प्रकरण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक सख्त से सख्त कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाया जाए। और इसमें जब भी कम से कम 5 व्यक्ति कोई औजार लेकर, पत्थर लेकर, लाठी लेकर जब किसी व्यक्ति पे या एक से ज़्यादा व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करते हैं और उस व्यक्ति की उस भीड़ द्वारा हत्या की जाती है, तो ऐसे मॉब लिंचिंग को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु दंड फांसी का प्रावधान किया जाए। और इसलिए हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि भारत में शांति हो, भारत में अमन हो, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति यहाँ पर अपने मर्जी से शांति से जीवन बिता सके। इसलिए मॉब लिंचिंग को भारत देश से पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोरोना महामारी का संकट खत्म हो जाने के बाद तुरंत ही भारत देश में एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाए, ऐसी हम भारत सरकार से मांग करते हैं। दोस्तों, सच लेकिन कड़वी बात में हमने पालघर जिले में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में हमने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं और आज हमने ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से सच्चाई आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, सच लेकिन कड़वी बात यह इस सेगमेंट में आपको हमारे विचार कैसे लगे, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और अपने सुझाव हमें ज़रूर ज़रूर भेज सकते हैं। आपके प्रतिक्रियाओं का और आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। अब हमें एडवोकेट सुधीर स्थाड़े को इजाज़त दीजिए और अगली बार सच लेकिन कड़ी बात में एक किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर रूबरू होंगे और आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।